जे तू कोई भी काम करना तेन मेरे ना इनवॉल्व होना पेगा भी तां तेरा केस कोई सिरे लगूगा नहीं तो नहीं। तो जो मैं घर गई तो इन्हें मैनू फिजिकली टच किया तो मेरे ना जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। जो मैं रौला पाया इन्हें रिवॉल्वर काढ़ लिया तो मैं रोंदी रोंदी बाहर आ गई। तो मुंडा खड़ा सी मैनू नहीं सी पता वो कौन है पर उन्हें मैनू देखा मेरी चुन्नी एक साइड तो लटकती पई सी तो मैं काफ़ी रोंदी रोंदी बाहर आई। पर इन्हें मैंने धमकाया जे तू किसी दस्या तो पूरे स्टेट लैवल की जी पंजाब पुलिस है वो मेरे नाल है तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सक। ये सोहनिया सोहनिया कुड़ियां पेश करता सी अफसर ने इन्हें यही मैनू कह के कहा कि जे तू हो सकती है तो तेरा कोई परचा मैं करवा सकता नहीं तो तेरी कोई हैल्प नहीं होनी। तो वो परसनल रिलेशन एवें से इन्हें अपनी सकी भतीजी का विआह डी जी पी साहब ने इलीगल तौर के उत्ते बिठाती आपकी सकी भतीजी। मेरी मैरिज दिसंबर 2017 हुई सी सारे NRI सीगे ते मैं जो मेरी मैरिज हुई हजे मैरिज हुई नू एक महीना ही होया सी मैनू सारे छड़ के चले गए ते मैं एक कंप्लेंट दिती सी NRI विंग दे विच। ते ओ जदों परचा दर्ज होने तक मेरी दरखास्त आई है तो जो SHO साहब सीगे वो मैनू कहिंदे भी इत्थे बहुत ही ज़्यादा पोलीटिकली प्रैशर होंदा जे तुसी आपदा केस कोई सिरे चढ़ाना चाहुंदे हो तो तुसी बाऊ BP सिंह नू मिल लो। मैनू तो पता भी नहीं सी कि बाऊ BP सिंह हैगा कौन है। तो जदों उन्होंने मैनू मिलाया मैं उन्होंने कोल जाके रिक्वेस्ट की सर मेरी हैल्प करो भी मेरा ए करके एक NRI दे विच केस है। तो जदों मैं उस केस नू प्रोसीडिंग दे विच लैके आई परचा दर्ज होने की सिफारिश कर दिती गई। जदों केस SSP साहब को पहुँचा तो उत्थे जाके मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई SSP मैनू खड़ा के वापस कर दिंदा सीगा। उस तो बाद मैं PP सिंह नू कॉल की वो कहिंदे जदों भी तुसी मैनू कोई कॉन्टैक्ट करना जां कोई हैल्प करनी है तो तुसी मैनू WhatsApp कॉल ही करोगे। तो मैं उन्होंने WhatsApp कॉल की मैं कहा सर मेरे केस का की बनिया। वो कहिंदे ये गल्लां फोन ते नहीं होंदियां तुसी एक बारी घरे आ जाओ आपां बैठ के गल करदे हां। मैनू SHO साहब ने VP सिंह दे नाल मिला दिता तो मैं उन्होंने कहिंदे तुहाडा जिहड़ा खर्चा पानी कित्थों चलता है मैं उन्होंने दस मैं क्या मैं हजे तो फिलहाल एक हेल्पलैस हाँ मेरे को कोई जॉब नहीं है वैसे मैं BSc नर्सिंग की हुई है। उन्होंने मैनू ना जॉब पर रखाता फोन करके उन्होंने कोई इंटरनली डेंटल कॉलेज वाले ना लिंक सिगे तो मैं जॉब पर जाना शुरू कर दिता। इन्हें मैनू दोबारा बुलाया कहिंदा SHO साहब ने मैनू कहा जाके VP सिंह का तुसी जाके थैंक्स करो तो उन्होंने जॉब दवाई है। मैं फोन के उत्ते थैंक्स कर दिता। वो कहिंदा नहीं तुसी एक बारी आके मिलो फिर मैं तुहानू तुहाडे केस का स्टेटस भी चैक करा दिंदा की हैगा जे तू कोई भी काम करना तेनू मेरे ना इनवॉल्व होना पेगा भी तां तेरा केस कोई सिरे लगूगा नहीं तो नहीं। तो जदों मैं घर गई तो इन्हें मैनू फिजिकली टच किया तो मेरे ना जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। जदों मैं रौला पाया इन्हें रिवॉल्वर काढ़ लिया तो मैं रोंदी रोंदी बाहर आ गई। तो उत्थे एक मुंडा खड़ा सी मैनू नहीं सी पता वो कौन है पर उन्हें मैनू देखा मेरी चुन्नी एक साइड तो लटकती पई सी तो मैं काफ़ी रोंदी रोंदी बाहर आई। पर इन्हें मैनू धमकाया जे तू किसी दस्या तो पूरे स्टेट लैवल की जी पंजाब पुलिस है वो मेरे नाल है तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। मैं काफ़ी दिन डिप्रैशन च रही मैं अपने पापा नाल गल की तो मैं मूवन हो गई DGP साहब वाले एप्लीकेशन देने दे लई। जब मैं एप्लीकेशन दिती ये सारे मैं प्रूफ कट्ठे कर ले ते मेरे पापा आए फिरोजपुर ते असी DGP साहब को पेश होए ते इन्हें मेरी कोई नहीं चलन दिती थाने च। मैं डेली जाना बयान दे के वापस आ जाना उन्होंने मैंने ये कहा कि तोड़ देना कोई ना अजे इनक्वायरी चल रही है तुसी वेट करो। मैं वेट करती रही 3 महीने इन्होंने मैं थाने च इन्ना कमाया डेली मैं हाईकोर्ट एप्लीकेशन मूव कर रही हूँ सर मेरा आ नहीं हो रहा मेरा वो नहीं हो रहा। 3 महीने बाद इनक्वायरी होगी डबल सिट ने इनक्वायरी की 376 की रिपोर्ट है जी बना के DA लीगल पैनल ने भेज दी। SSP साहब ने अप्रूवल दे दी भी तुसी जिहड़ा परचा वो दे दो। जो मैं रात के 9 बजे FIR लैन गई तो धारा 354 का परचा दिता तो मैं बहुत ही ज़्यादा बरी हुई। मैं फिर प्रोटेस्ट करता
ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਲਾਊਂਗੀ, ਮੈਂ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰੂੰਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 376 ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਡਰ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੂਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਿ ਇਨਫਲੂਐਂਸਿੰਗ ਪਰਸਨ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ, ਇਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਹੁਣ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੈਂਕਿਟ ਬੇਲ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪੀ ਓ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰੀਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਪੀ ਓ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ASI ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਸੀਗੇ ਆ ਕੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ DSP ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ SHO ਨੇ ਵਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਵੀ ਤੂੰ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਂ CCTV ਫੋਟੇਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੈ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣ ਦਊਗਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ SSP ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਸਰ ਜੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ SSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਖਾਸਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਡਰੇ, ਨਾ DSP, ਨਾ SHO। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਈਵਨ ਦੈਨ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਿਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਦਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਹਾਊਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਵਾਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ, 3-3 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕੇ ਮੋੜ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ PO ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਭਗੌੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਊਂਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 376 ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ 6 ਗਨਮੈਨ ਰਿਟਨਲੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ DGP ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ। DGP ਸਾਹਿਬ ਚਟੋਪਾਧਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਕੇ ਮੂਵ ਔਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਐਵੇਂ ਸੀਗੇ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਕੀ ਭਤੀਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਤੀ ਆਪਦੀ ਸਕੀ ਭਤੀਜੀ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਭੈਣ ਭਣੋਈਆ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਇਸੇ ਗਮ 'ਚ ਸੜੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੂੰ 3 ਜਾਂ 4 ਗਨਮੈਨ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਭਗੌੜੇ ਨੂੰ 6 ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, DGP ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੇਅਰ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਗਨਮੈਨ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਫੜਦੇ ਪਏ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਿਆ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਿਆ। ਇੰਨਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸਿੰਗ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇਹ। ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਇਹ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰ ਮਕੈਨਿਕ ਦੀ ਸ਼ੋਪ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਦਲਾਲੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਦਲਾਲੀਆਂ ਵੀ ਗੰਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲੈਣੇ, ਬਸ ਇਹ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿ CBI ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ 200 ਅਰਬ ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਬੈਠਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਰੂਫ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਪਰੂਫ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ।
और मैं कल्ली नहीं हैगी फिरोजपुर दे विच, मैं थोड़े नाल इस गल दा प्रोमिस करदी हाँ कि जिस दिन यह भगौड़ा शो हो गया, यदि प्रॉपर्टी सीज़ होगी, बहुत सारिया कुड़ियाँ यह जी हो, मेरा केस मी टू वाला बनूगा जरूर, क्योंकि उत्थे बहुत सारिया कुड़ियाँ जिदे नाल यह कर चुका, पर अज तक इसकी हिम्मत नहीं हुई। सिरे का ब्लैकमेलर से फिरोजपुर दे विच बीपी सिंह दे रिलेशन डी जी पी दे नाल, पूरी स्टेट डी जी पी चट्टोपाध्याय, डी जी पी चट्टोपाध्याय नाल इहदे रिलेशन ने। वैसे कल्ले चट्टोपाध्याय नाल नहीं, पूरे स्टेट लैवल दी पंजाब पुलिस इहदे नाल है, हजे तक इसकी हिम्मत नहीं हुई इहनूं हत्थ पाउण दी। होर भी पच्चे दर्ज है इसके खिलाफ, इहदे खिलाफ हांजी काफ़ी करप्शन दे, जिवें इहनूं पैसे बारे पुछा गया, ईडी दे विच इहदे केस ने, ते कुड़ियां वाले मामले च हजे तक कोई इहनें बाहर नहीं आउण दित्ता। दबाउण दी ते इहनें मैनूं भी बहुत कोशिश कीती सी, पर मैं हाई कोर्ट जाके इंसाफ ले लिया। बाकी बेचारियां पता नहीं मैनू किवें आपदे घरे बैठ दियां सी। थोड़े दो पर्चे है, इक थोड़े इनलाज वाला, इक इह, हांजी के वाला, दो पर्चे अलग-अलग, दो पर्चे ने अलग-अलग। इनलाज वाले च की बनया? इनलाज वाले च सर 420 दा होया सी उहनां ते पर्चा, उहनां दी LOC वगैरह हुई भी है, ते जदों इंडिया आउणगे अरैसट हो जाणगे, पर उदों तक कहिंदे आ कि चलान नहीं पेश हो सकदे जदों तक उह फड़े नहीं जांदे। सेक्शंस कौन-कौन से लगाईआं आपने इनलाज के अगेंस्ट? 420-498-120। FIR दी कॉपी है, जड़ियां तारां पहला, जड़ियां तारां पहला लगियां हैं ते दो दिन बाद लगियां हैं। हाई कोर्ट च जड़ी दी जमानत रिजेक्ट हुई है। सुप्रीम कोर्ट दे विच डबल बेंच दे नाल जल्दी इन्वेस्टिगेशन करके इनू कोई इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करे। जबरदस्ती इज्जत लुटन की कोशिश की थी। He is saying rape. It is not only छेड़छाड़। Yes. 376 with 511.
डीजीपी चट्टोपाध्याय साहब ने इन्होंने इवेंट रिलेशन से कि 17 साहब को चट्टोपाध्याय साहब अपॉइंट होंगे ने 18 को कैंसलेशन तैयार कर लेंदी है जी पुलिस ठीक है जी 24 तरीक को कोर्ट में फाइल कर देंगे कैंसलेशन के थले 3 को जज साहब थले कैंसलेशन से नोटिस करते हैं हले कैंसलेशन कला नोटिस होंगे इन्हों कंप्लेनेंट जी को 4 उन्होंने गनमैन दे दिए जाते हैं हले कि स्टिल वो बंदा ये अक्यूज होंगे केस हले कोई कैंसलेशन ना एक्सैप्ट हुई सी ना रिजैक्ट हुई सी कुछ भी नहीं हो पर देखो ना 10-10-2020 तो लैके इन्हों कुछ नहीं पता कि कोई बंदा कितने आ 3 अक्सर एक कैंसलेशन आँदी आ 4 गनमैन अलॉट कर दिए जाते हैं हले तक उन्हें गनमैन से कोई डिसीजन नहीं लिया इन्होंने वापस ले ने नहीं ले जे आप देखो ना अपने देश एक नारा लाते हैं कि बेटी बड़ा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जे इतने कुड़िया नहीं सेफ तो दसो कौन सेफ आ ये पुलिस इतों तक इन्हों चल रही है कि अज भी हले तक भी कोई कुछ नहीं पता कितने आ कितने नहीं ऑल दो 6 गनमैन दिते हुए हैं आप तो इलेक्शन कमीशन को भी एक दरखास्त करते कि पूछा जाए चट्टोपाध्याय साहब कि किहड़े कैपैसिटी च दिते ने नॉर्मल बंदे नूं तुसीं एक एक नहीं देंदे इतने जो जो 376 का परचा या कुछ उन्होंने 6 गनमैन अलॉट करते हैं ही स्टिल नॉट बीन अरेस्टेड ईवन दो सुप्रीम कोर्ट अप टू सुप्रीम कोर्ट हैज सरेंडर्ड आस्क देम टू सरेंडर ईवन दो सुप्रीम कोर्ट हैज टोल टू सरेंडर एंड अप्लाई फॉर रेगुलर बेल इलीगल मैथड्स एने पैसा कमाया नहीं लुटिया लोगों ठीक है और इन्हें इसे करके अपना लड़का कनेडा भेजा ये तो इनका मुंडा दोवें हवाला कारोबारी है और इट इज़ ओपन सीक्रेट कि इन्हें गैंगस्टर्स नाल तल्लक है उन इन्हें शरेआम लड़की नूं धमकी दी सी कि जे तू अपना केस विड्रॉ नहीं करेगी मैं तैनूं मरवा दूंगा एंड फॉर दिस परपज ही अंगेज वन जरनैल सिंह ऑफ विलेज हाजी वाला उनकी स्कॉर्पियो वाइट कलर की कार सी PB04AA0099 और 1/9/2020 इस लड़की ने बाय मेल रात को 1:00 कुछ मिनट से DGP साहब को DIG फिरोजपुर SSP फिरोजपुर को इंटीमेट किया कि मेरी जान को खतरा है और वो जरनैल सिंह हाजी वाला सबसीक्वेंटली उन्हें पुलिस को एफिडेविट दिता उन्हें एडमिट किया कि VP सिंह ने मैंने कहा कि कुड़ी नूं मरवा दियो भाई साहब इहो तां सानू नहीं समझ आ रही अज की डेट च वो 2,000 करोड़ रुपए का मालिक है इन्वेस्टिगेट करवा लो बेशक CBI इन्वेस्टिगेट कर दे इस मैटर दी और एक गल होर मैं तुहानू कहूंगा जिस दिन चट्टोपाध्याय साहब ने ज्वाइन किया 20 तरीक नूं लड़की ते प्रेशर शुरू हो गया लड़की SSP फिरोजपुर नूं मिलन गई SSP फिरोजपुर रिफ्यूज टू मीट 22 तरीक नूं लड़की असी इत्थे चंडीगढ़ आए हाँ रिट तैयार कराई है 22 नूं असी रिट चीफ जस्टिस नूं रिक्वेस्ट करके रिट लगवाई और उहदे च हाईकोर्ट ने नोटिस ऑफ मोशन किया और बकायदा पुलिस कोल स्टेटस रिपोर्ट कॉल की 24 असी वो जिहड़ा हाईकोर्ट का ऑर्डर सी बकायदा SSP फिरोजपुर को कन्वे किया असी दे के आए और सी दी हाई हेडेडनेस ऑफ पुलिस 24 तरीक नूं इररिस्पेक्टिव टू बॉदर दी ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट जिहड़ा पुलिस ने कैंसलेशन मूव करती कोर्ट च देखो जी इत्थों तक नहीं हुण तुसीं कह रहे लिंक किवें सीगे लिंक इत्थों ही प्रूव हुंदे ने 17 नूं चार्ज दिंदे 18 नूं तुसीं कैंसलेशन तैयार कर दिंदे हो ईवन तो कि टॉप मोस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया जिहड़ी कह रही कि तू सरेंडर करेंगे तो एलीगेशन इहो जिहे ने हाई कोर्ट ने 32 पेजां दा ऑर्डर पास करके बेल रिजैक्ट की जिहदे लिखा कि कस्टोडियल इज़ वैरी मच नसैसरी 3 तरीक नूं हले कुछ भी नहीं हुंदा हले सिर्फ एक नोटिस हुंदा कैंसलेशन च सिर्फ तो सिर्फ एक नोटिस उदों ही नाल ही कह दिंदे ने 4 नूं उठ के गनमैन अलॉट कर दिंदे ने
जब ये हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आप इनको कस्टडी लेके इंटरोगेट करो, उसके बाद जब इन्होंने नहीं लिया पंजाब पुलिस ने, तो आपने उसके केस को हाई कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं दिया? असी एप्लीकेशन लाई हुई है, साडा मैटर पेंडिंग है 7 फरवरी वास्ते, ठीक है जी। इस फिरोजपुर च ओपनली घूम रहा है, ओपनली उसे कारा ची दिखाई दे रहा, सब कुछ हो रहा है। भी इन्ना एक्सपीरियंस है तुसी एनी टाइम तो मीडिया चो, तुसी अज तक कभी सुनिया कि एक जड़ा रेप दा एक्यूज है जिंदी बेल अप टू सुप्रीम कोर्ट लैवल तक डिसमिस हो चुकी है और जिदा चलान पेश हो चुका है, जिंदियां पीओ दियां प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी हैं, तो पुलिस कैंसलेशन मूव कर दे विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ कोर्ट, मतलब सी हाउ मच इन्फ्लुएंस ही इज। और बकायदा कोर्ट के विचों जदों एएसआई पीओ की स्टेटमेंट दे रहा, स्टेटमेंट वॉज स्टार्टड, एएसआई वॉज अपीयर्ड इन विटनेस बॉक्स, स्टेटमेंट वॉज स्टार्टड, उनकी फस्ट, मैं तुम्हें ऑर्डर देना, फस्ट लाइन लिखी गई एएसआई मुख्तियार सिंह की, फस्ट लाइन लिखी गई, एसएचओ बीरबल सिंह जिहड़ा एसएचओ पीएस कोलगड़ी वो आया, उन्हें उन्होंने कोर्ट के जाकर फिंगर दे इशारे नाल बुला के बाहों फड़ के विदाउट परमिशन ऑफ जज ऑफ द कोर्ट उन्होंने बाहर लै गया। एदू चमत्कार हुंदे ने, देखो अपनियां अखां सामने, फ्री सेवा फ्री समाधान, परेशान क्यों? दीन दयाल शर्मा, मेरे कीते दे सारे समाधान, कोई कट नहीं सकता, कटन वाले नू मुंह मंगया इनाम, गारंटी नाल परेशानी तो हो वो मुक्त, परेशानी जिवें लव मैरिज, विदेश यात्रा, वशीकरण जा काले जादू दा खात्मा, पति पत्नी चंडबन, धोखेबाज प्रेमी प्रेमिका ते सौतन दुश्मन नू सबक सिखाउण लई अज ही संपर्क करो 885-283-0991।